हेलो दोस्तों, फिल्मी फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज हम कुल 10 फिल्मों की बात करने वाले हैं जो इसी महीने हमें देखने को मिलने वाली है। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो सीधे OTT पर रिलीज़ की जा रही है, तो कुछ फिल्में सीधे सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं इन 10 फिल्मों के बारे में। तो पहली फिल्म है मरक्कर लाइन ऑफ द अरबियन सी। यह फिल्म प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी है और इस फिल्म में मोहनलाल मुख्य भूमिका में नज़र आने वाले हैं। उनके साथ इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अर्जुन सरजा, प्रभु, अशोक सेलवन और मंजू वारियर जैसे अभिनेत्री मुख्य किरदार में मौजूद हैं। इस फिल्म में कीर्ति सुरेश ने भी अहम भूमिका निभाई है। यह फिल्म 2 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाने वाली है। दूसरी फिल्म है तड़प। निर्देशक मिलन लुथारिया के निर्देशन में बन रही यह फिल्म तेलुगु सुपरहिट फिल्म RX 100 का रीमेक है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी के बेटे हान शेट्टी डेब्यू करने जा रहे हैं और उनके साथ इस फिल्म में तारा सुतारिया मुख्य किरदार में मौजूद हैं। यह फिल्म 3 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाने वाली है। तीसरी फिल्म है चंडीगढ़ करे आशिकी। निर्देशक अभिषेक कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 10 दिसंबर 2021 को रिलीज़ की जाने वाली है। यह फिल्म सीधे सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाने वाली है और इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ वाणी कपूर मुख्य किरदार में नज़र आने वाली हैं। चौथी फिल्म बॉब विश्वास। दिया अन्नपूर्णा घोष के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2012 में रिलीज की गई फिल्म कहानी का स्पिन ऑफ वर्सन है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के साथ चित्रांगदा सिंह मुख्य किरदार में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म 3 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज की जाने वाली है। पांचवी फिल्म है मार्वल्स की स्पाइडरमैन नो वे होम। टॉम हॉलैंड, जेंडिया और बेनेडिक्ट कंबरबैच स्टारर यह फिल्म 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाने वाली है। इस फिल्म को भारत में एक दिन पहले 16 दिसंबर को रिलीज किया जाने वाला है। छठी फिल्म है पुष्पा द राइज। निर्देशक सुकुमार के निर्देशन में बनी यह इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ फहद फाजिल और रश्मिका मंदाना मुख्य किरदार में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है और यह फिल्म 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। सातवीं फिल्म मिन्नल मुरली। इस फिल्म में टोबिनो थॉमस मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। इस मलयालम फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाने वाला है और यह फिल्म 24 दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाने वाली है। आठवीं फिल्म अतरंगी रे। निर्देशक आनंद एल राय के निर्देशन में बन रही है इस फिल्म में अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 24 दिसंबर 2021 को रिलीज की जाने वाली है। यह फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर होने वाली है। नौवीं फिल्म 83। कबीर खान के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 1983 में भारत की पहली वर्ल्ड कप जीत पर आधारित है और इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म है और यह 24 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाने वाली है। दसवीं फिल्म जर्सी। गौतम तिनौरी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म तेलुगु सुपरहिट फिल्म जर्सी की आधिकारिक रीमेक है और इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 31 दिसंबर 2021 को रिलीज की जाने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें एवं इस प्रकार की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।